दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्जाम मास्टर में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु को, जो एक किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी शिक्षक को बहुत अनिवार्य हैं कुछ बातें जानना। तो आज हम ऐसी ही 11 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो हर शिक्षक को जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करिए सब्सक्राइब पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो कभी भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो पहला बिंदु है, किसी भी शिक्षक को सरल से जटिल की ओर, बच्चों को जो पढ़ाएं आप वो सरल से जटिल की ओर ले जाएं। छात्रों को पहले सामान्य बातें समझाई जाएं, बाद में उन्हें कठिन विषयों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। मतलब दोस्तों, सबसे पहले हमें जो टॉपिक पढ़ाना है हमें उसके बारे में सामान्य बातें बच्चों को बता देनी चाहिए, उसके बाद उस विषय की कठिन बातें, जो जटिल बातें हैं वो समझाना चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी रुचि पढ़ जाएगी उस शीर्षक के प्रति जो आप पढ़ाना चाहते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो दोस्तों, पाठ का प्रारंभ या शुरुआत आपको ऐसी बातों से करना चाहिए जिन्हें छात्र पहले से जानता हो। आपने प्रस्तावना कौशल में पढ़ा भी होगा कि प्रस्तावना जो है वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। तो आप छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, जिससे कि छात्र जो बातें जानता हो वह आपको बता सके और फिर आप उसके मानसिक स्तर को समझ सके, फिर उसे वो बातें समझा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें छात्रों द्वारा ज्ञात बातों से शुरुआत करनी चाहिए और उसके बाद जो है जो उसे नहीं पता हो वो उसे बताना चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी पहले उन बातों की चर्चा की जानी चाहिए जो विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से महसूस करें, देखें, जानें या समझें, फिर उन्हें हमें अप्रत्यक्ष ज्ञान की तरफ ले जाना चाहिए। मतलब 6 से 14 वर्ष के बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान कराएं, क्योंकि इस समय बालकों की बुद्धि जो रहती है वह प्रत्यक्ष ज्ञान पर ही आधारित होती है। वो जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं से सीखते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले प्रत्यक्ष बातों का ज्ञान कराना चाहिए, उसके बाद उन्हें अप्रत्यक्ष बातों की तरफ ले जाना चाहिए। चौथा जो शिक्षण बिंदु है वह है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी बालकों को शुरू में ऐसी बातों का ज्ञान कराएं जिनको बच्चे देख सकें, छू सकें या फिर महसूस कर सकें, बाद में उन्हें सूक्ष्म चीज़ों तथा सैद्धांतिक चीज़ों का ज्ञान करवाएं। तो सबसे पहले बालक जो चीज़ों को देखेगा या महसूस करेगा उन्हें वह जल्दी सीखेगा, तो उन्हें वो चीज़ें पहले बताई जानी चाहिए, बाद में उन्हें सैद्धांतिक ज्ञान करवाना चाहिए। पांचवा जो पॉइंट है वह है विशिष्ट से सामान्य की ओर। शुरुआत में हमें किसी विशेष उदाहरण को दे करके समझाना चाहिए, उसके बाद उस सब्जेक्ट को, जो भी टॉपिक है, उसका सामान्यीकरण करना चाहिए। जैसे हम किसी चीज़ को जो है उदाहरण के जरिए समझाते हैं और उसके बाद उसका सामान्यीकरण करते हैं। फिर छठवां जो पॉइंट है वह है पूर्ण से अंश की ओर। पहले संपूर्ण भाग की जानकारी दीजिए, अर्थात ऊपर ऊपर से आपको एक आउटलुक देना है जो शीर्षक आप पढ़ा रहे हैं छठवां पॉइंट के हिसाब से, कि सबसे पहले आप संपूर्ण भाग की जानकारी दीजिए छात्रों को जो आप पढ़ाने वाले हैं, उसके बाद उस शीर्षक को आप टुकड़ों में समझाएं, उसे टुकड़ों में बांट लें, भागों में विभक्त कर लें, फिर एक एक भाग को आराम से समझाएं, जिससे छात्रों को वह आसानी से समझ में आ जाए। जैसे आप पहले आप प्रदूषण को डिस्क्राइब करेंगे, फिर इसके विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करेंगे, फिर इसके नुकसान पर चर्चा करेंगे, फिर इसकी रोकथाम पर चर्चा करेंगे। इससे क्या होगा, एक सीरियल वाइज जब आप पढ़ाएंगे तो छात्रों को समझ में आ जाएगा। सातवां जो पॉइंट है वह है अनिश्चितता से निश्चितता की ओर, अर्थात आपको पहले अनिश्चित बातें बताई जानी चाहिए, उसके बाद उन्हें डिफरेंशिएट करिए कि बच्चा उन चीज़ों में अंतर समझ सके, खुद से वह अंतर कर सके। तो इस तरह से सातवां पॉइंट। आठवां जो पॉइंट है वह है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पहले किसी विषय की
विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए और उसके बाद उसका संक्षेप में निष्कर्ष समझाइए। तो सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक को जो आप पढ़ाने वाले हैं बच्चों को विस्तार से समझा दीजिए, जिनसे उन्हें वो बातें समझ में आ जाएं, तब आप उसका संक्षेपीकरण कर सकते हैं। तो इस तरह आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं आराम से। अब नौवां जो पॉइंट, मनोविज्ञान से तर्क की ओर हमारा नवा पॉइंट है। शुरुआत में बच्चों की पसंद, रुचि, मानसिक स्तर तथा प्रेरणा के अनुसार बातों को समझाएं, फिर उसे तर्क की कसौटी पर रखकर शिक्षण करें। तर्क की कसौटी, तो हमें शुरुआत में क्या करना है, बच्चों की पसंद के, उनकी रुचि के और उनके मानसिक स्तर को समझते हुए शीर्षक का चयन करना है, तभी बच्चा उन बातों को समझ पाएगा। उसके बाद हम उसे तर्क की ओर ले जाएंगे, जिससे बच्चा तर्क करके उनमें विभेद कर सके, उनमें अंतर स्पष्ट कर सके और उन बातों को समझ सके। दसवां जो पॉइंट है वह है सुगम से कठिन की ओर। पहले सुगम पाठों को पढ़ाएं, जो पाठ सरल हो, जो पाठ आसानी से बच्चों को समझ में आए उन पाठों को पढ़ाएं, फिर बाद में उन्हें कठिन पाठ पढ़ाए जाने चाहिए। ग्यारहवां और अंतिम पॉइंट यह है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव और निरीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को तर्कपूर्ण बनाएं, अर्थात ऐसे बालकों को समझाएं कि जिसे वे दैनिक जीवन में अनुभव कर रहे हों या कर सकें। उसके बाद उनको बताइए कि वे उन चीज़ों में कैसे अपने तर्क को शामिल कर सकते हैं, जैसे सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, यह एक फैक्ट है, यह एक साइंस है। तो बच्चे जानते हैं कि हाँ सूरज पूरब में निकलता है, तो अगर आपको उन्हें इससे संबंधित जानकारी देनी है, उनके अंदर तर्क क्षमता विकसित करनी है, तो उन्हें पहले इस चीज़ का अनुभव कराएं। बच्चे सुबह उठकर देखेंगे कि हाँ सूरज जो है वह पूर्व दिशा की ओर निकलता है, तब उन्हें भूगोल से संबंधित फैक्ट्स बताएं कि यह पूर्व दिशा में क्यों निकलता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे काटती है, उसे एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है, ये सारी चीज़ें आप उन्हें आसानी से समझा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इन 11 पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, जो कि आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर होने वाले हैं या आपको हर विषय में काम देगा, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखकर शिक्षण करेंगे तो आप एक बेहतर शिक्षण कर पाएंगे। तो ये 11 पॉइंट्स आप जो है ध्यान रखिएगा, आप इनके हिसाब से अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं, अपने शिक्षण को महत्वपूर्ण बनाएं, बच्चों को अच्छे से समझाएं, जिससे बच्चे पाठ को समझ सकें, उनमें तर्क कर सकें और वे आसानी से उसे अपने व्यवहार में उतार सकें। क्योंकि आपके शिक्षण के यही तीन उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य से तात्पर्य दोस्तों यह होता है कि हम जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उससे छात्र को किन किन चीज़ों का ज्ञान होगा, आपका यह ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य यह होता है कि जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय में छात्र क्या क्या सीखेंगे, उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी होगी, किन किन चीज़ों का ज्ञान होगा, कैसे वह क्या क्या बोध कर पाएंगे, किन किन चीज़ों को समझ सकेंगे। और क्रियात्मक उद्देश्य यह है कि छात्र उस ज्ञान में से कौन कौन सी बातों को अपने जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में उतार सकेंगे। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना। अगर आप ज्ञान पा रहे हैं और आप उसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतार ले रहे हैं, तभी आप एक सफल ज्ञानी कहे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप तीन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके और ये जो 11 पॉइंट्स मैंने बताए इनको ध्यान में रख करके अगर आप अपना शिक्षण करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक प्रभावशील शिक्षण कक्षा में कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगले किसी अच्छे और टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। तो अगर मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन क्लिक टू द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, देन वेन एवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल नोटिफाई बाय अ नोटिफिकेशन, देन
यू कैन इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड योर नॉलेज बाई सब्सक्राइब आवर चैनल। सो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो में आपको कुछ पसंद आया है, आप सुझाव देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें। आपकी कोई समस्या है तो भी कमेंट करें, हम उसका तुरंत निदान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो।